देखिए आज का जो यहाँ विज़िट है मार्केट का, एसएसपी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो इस विज़िट का मकसद ये है कि जो इन्फोर्समेंट है कोविड प्रोटोकॉल की, जो इन्फोर्समेंट है उसको बढ़ाना है। आपको मालूम होगा कि पार्शल अनलॉक के बाद मार्केट्स के अंदर एक लिमिटेड पब्लिक मूवमेंट देखी जा रही है एज़ पर जो परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं। ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ट्रिकी होती है जब अनलॉक हो जाए। कहीं ना कहीं अगर कोई गलती से भी ये अज्यूम कर ले कि अनलॉक का मतलब खुली छूट है, अनलॉक का मतलब है कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, अनलॉक का मतलब है पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, तो यहीं हम गलती कर बैठते हैं और इसी गलती का खामियाजा फिर हमें लॉकडाउन की या कोरोना कर्फ्यू की शक्ल में भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा आज हम ये अपील करना चाहते हैं सभी आवाम से कि आप प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो करें, और प्रोटोकॉल को फॉलो करना कोई सज़ा ना समझे, बल्कि ये हम सब के हित में है। प्रोटोकॉल फॉलो करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना और वैक्सीनेशन अपने अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर करवाना ही मूल मंत्र है कोरोना से लड़ने के लिए। सर, जिस तरह से अनलॉक ऑर्डर आया है, काफ़ी सारे अलग अलग सेक्शंस का है, दुकानों का है, आउटडोर बाजार का है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस का है, लेकिन रोड साइड वेंडर्स की लगातार शिकायत है कि पुलिस उन्हें बाहर आने नहीं दे रही, कहीं पर अगर वो रेडी लगाए तो उसको उठाकर फेंक दिया जाता है। तो उनके लिए सर प्रिसाइसली कोई ऑर्डर ऐसा आप जारी करने वाले हैं, क्योंकि वो इकलौती कम्युनिटी है जो हैंड टू माउथ कम्युनिटी अभी सफर कर रही है। देखिए, आपको मालूम होगा कि जितने वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनका खसूसी ध्यान रखा जाता है। पुलिस का जो काम है वो पुलिस खुद कर रही है, और इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि इन्फोर्समेंट की वजह से ही मूवमेंट कंट्रोल में आती है, और जहां कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है, कभी कभी ये अज्यूम कर दिया जाता है कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी इज़ नोबडीज़ रिस्पांसिबिलिटी, वहीं पुलिस को आना पड़ता है सामने और फिर रेगुलेट करना पड़ता है, क्योंकि वायरस की अलगार बहुत बुरी है। और कितने ऐसे घराने हैं, चाहे वो रोड साइड वेंडर हो, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी से हो, या कहीं से भी हो, किसी भी किस्म के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, वायरस माफ़ नहीं करता है। इसलिए ऐसा होगा जहां किसी को बुरा भी लगेगा, लेकिन ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है। INS. Extremely fearless journalism.